शहर खास सपोर्ट्स फ्रेटर्निटी की जानिब से एक कौमी सतह की मैराथन रेसिंग का इनेकाद श्रीनगर में किया गया। इस तकरीब का मकसद श्रीनगर के डाउनटाउन में खेलों के सेहत से मुतलिक फवायद के बारे में बेदारी फैलाना था। पेश है बुरहान हुसैनी की ये खास रिपोर्ट। आपका नाम? इंशा, मुझे बताया आज यहाँ पे इवेंट था तो कैसा लग रहा आपको? फर्स्ट टाइम आपने देखा, आपके एज में पहली बार डाउनटाउन में इस तरह कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा, हम पार्टिसिपेट कर पाए इसमें, मतलब पार्टिसिपेट कर पाए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, स्पोर्ट्स खेले, मतलब इन चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए इंसान, इससे हमारा ही नुकसान होता है। आपका नाम? मैंने मिस हरिन शौकत मोते। मुझे ये बताइए, आज आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? हम बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्कूल हर एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करता है, तो हम थैंकफुल है आपके लिए भी और अपने स्कूल के लिए भी जो हमें मौका देते हैं पार्टिसिपेशन करने के लिए। हम उनके लिए यही मैसेज देते हैं कि स्पोर्ट्स खेले, कुछ और करें, लेकिन इनसे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होता है। ये हमारे भाई हैं, मतलब ब्रदर्स हैं, सारे हम आपस में भाई बहन हैं, इसलिए मतलब इससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये अपने वो लोग ये अपने आप के लिए कर रहे हैं। इस बार जो स्पोर्ट्स इस इवेंट के बारे में मैं यही बता रहा हूँ कि आज तक मैंने नहीं देखा है कि ऐसा इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर मुनक्कद हुआ है। ईदगाह से निकल, ये पहली बार ईदगाह श्रीनगर में इतना बड़ा इवेंट हुआ है, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि हमारे सारे बच्चे यहाँ पर, तकरीबन 300 बच्चे हमारे स्कूल के, न्यू बॉर्न स्कूल के बच्चे, भरपूर हिस्सा लिया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच। ये पहली बार कश्मीर में इस तरह, हम तो बहुत इस वक्त बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि इससे पहले भी हमने एक स्पॉन्स किया था, एक बहुत बड़ा मैराथन किया था हमने, वहाँ पर क्या नाम था उसका, यहाँ पर मैराथन किया था हमने, उसमें 2000 बच्चे, 2014, लेकिन उसके बाद पहला इवेंट है ये ईदगाह श्रीनगर में, शहरी खास में ये पहला इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट। सर, शहरी खास में आज पहला बार इवेंट था, आपके बच्चों और आपके स्कूल के बच्चों को कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैं कह रहा हूं, ये बहुत एक्साइटेड, एक आवाज में बोल रहे हैं कि बहुत सो मच एक्साइटेड। इनको क्या, मुझे कॉल कर रहे थे कल से हमें कितना बजे पहुंचना है, मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस इवेंट के लिए। तो सबसे पहले हम ही यहाँ पे मौजूद थे, हमारा स्कूल ही मौजूद था, हम ढूंढ रहे थे कहाँ पे, इतना ही एक्साइटेड थे ये बच्चे, तो इसलिए वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू डी कैथलन जिन्होंने ये नए अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे, अच्छा सा एनकरेजमेंट हमारे बच्चों के लिए है ना, कि आगे जाके वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आगे देखने वाला है कोई इनको क्या मतलब ना, ये अपॉर्चुनिटीज देने वाला है, तो ये इसी इनके एनकरेजमेंट बहुत बहुत ज्यादा। क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों के माँ बाप को, जैसे आजकल
उन चीजों में लगे हैं, नशीली चीजों में, तो उनकी बच्चों के वालिद साहब को क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, हर किसी को अवेयर रहना चाहिए कि ये जो आजकल के जो ड्रग मैनस है वो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा तबाह कर रहा है। तो अगर सभी पेरेंट्स अगर अवेयर हो जाएंगे कि अपने बच्चों को जो बहुत सारी बुरे आदतें हैं उनसे निकाल के खुद भी पार्टिसिपेट करें उनके साथ, और बच्चों को इन गेम्स की तरफ जो ना रागिब करें, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि वो जो बुरी चीजें जो है उनसे बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि उनको वो टाइम ही नहीं रहेगा कि वो किसी और बुरी सोहबत में जा सके। इट इज वेरी गुड स्टेप। बहुत गुड, थैंक यू सर।